हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन एंड टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड नॉट गोइंग आउटसाइड अंडर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द कोरोना वायरस। गाइज, माई सेल्फ लोहित जिंदल, आई एम मास्टर टीचर हेयर एट वेदांतु ओलम्पियाड स्कूल एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 13th सेशन ऑफ अवर सीरीज प्री आरएमओ फ्लैशबैक। सो बच्चों, हमने अभी तक 2017 का प्री आरएमओ पेपर कंप्लीट कर लिया है। राइट नाउ वी आर ऑन द प्री आरएमओ पेपर 2018। ओके, तो already we have covered the first 6 questions of Pre RMO 2018 paper. So today in this 13th session we'll be covering the next 3 questions, that is 7th, 8th and 9th question of Pre RMO paper 2019. Okay बच्चों, so मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आप अपने notebooks और pens साथ में रखिए, आप साथ में solve करिए। along with this video you can pause it anywhere, right? You have that liberty. आप pause करके खुद से सोच के करिए and after that you can see the solution also, and इन बिटवीन भी आप पॉज कर सकते हो बिकॉज आफ्टर अ स्टेप और सो यू कैन थिंक ऑफ अबाउट द क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, है ना। तो अपने आप सोच के क्वेश्चन जितना करोगे दैट इज ज्यादा से ज्यादा आप सीख पाओगे उससे, है ना। सो दैट इज व्हाट आई वांट यू टू से बिफोर स्टार्टिंग द सेशन टुडे, है ना। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन ऑफ प्री आरएमओ 2018। ओके, तो बच्चों दिस इज द 7th क्वेश्चन ऑफ प्री आरएमओ 2018। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ पॉइंट पी in the interior of regular hexagon is at distance 8, 8, 16 units from the 3 consecutive vertices of the hexagon. So basically this is a regular hexagon, तो थोड़ी symmetry के हमारे काम आ जाएगी यहाँ पे, है ना। So if r is the radius of the circumscribed circle, जो जिसके ऊपर वो lie करेगा hexagon, है ना, of the hexagon, what is the integer closest to r? So बच्चों, हमारा question ये है कि हमें basically इस circle का radius ढूंढना है, है ना। So guys, बच्चों एक काम करते हैं, लेट्स राइट दिस रेडियस, है ना, दिस विल बी आर, दिस विल बी आर। और बच्चों आपको ये पता ही है दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, एंड अगर उसका एक डायगोनल जो कि ये वाला है, अगर ये 2r हो गया, है ना, सो सेंटर से ये डिस्टेंस r है, सो ईच ऑफ दैट डिस्टेंस विल बी r, है ना, एंड द साइड्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागन विल ऑल्सो बी r। ओके, मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो ये जो लाइन होगी बच्चों, एज यू कैन सी रेगुलर हेक्सागन है, तो ये एक ट्राइंगल क्या बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, क्योंकि 6 साइड्स है, 360/6, दिस विल बी 60 एंड दिस ट्राइंगल विल आल्सो बी इक्विलेटरल, है ना। तो अगर ये दोनों r हैं डिस्टेंसेस, सो द साइड्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागन विल आल्सो बी r। बच्चों हमें एक चीज और ये गिवन है कि दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 8, दिस इज ऑल्सो 8 एंड दिस इज डिस्टेंस इज 16। तो बच्चों यहाँ से हमें एक चीज पता लगती है, बिकॉज ये दोनों डिस्टेंसेज 8, 8 हैं, तो कैन आई से लेट्स नेम द हेक्सागन A, B, C, D, E and F। सो कैन आई से दैट दिस पॉइंट P जो कि मिड पॉइंट बोला जा रहा है ना, सो दैट दिस पॉइंट P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, है ना। सो दैट शुड बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपॉन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड दैट लाइन विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर O, अगर मैं O लिख देता हूँ उसको, है ना। और जैसे बच्चों PC इक्वल टू 16 है, तो PF भी 16 होना पड़ेगा ड्यू टू सिमेट्री, है ना, बिकॉज इधर सिमेट्री है। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली ट्राइंगल APB इज एक्चुअली सिमिलर टू ट्राइंगल CPF, है ना। APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CPF। वाई सो? बिकॉज देखो AP/PC इज इक्वल टू 1/2, BP/PF इज 1/2 and also AB/CF is 1/2, right? R/2R आ जाएगा। So these two triangles are similar. इसका advantage क्या है, क्योंकि अगर ये similar है, तो बच्चों बात ये जो angle APB है, using this I can say that angle PAB will be equal to angle PCF, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो, right? This angle will be equal to this angle, ठीक है, because दोनों triangle similar है। And because these two are same angles, right? So I can say that AC is a straight line. This gives me that AC and similarly BF are straight lines. तो ये मैं कमेंट कर सकता हूँ because otherwise I cannot say कि P point actually PA PB तो ठीक है, PC भी सही है, but we cannot say that PA PC that these three points are collinear. But अब मैं ये बात कह सकता हूँ because the angles are equal. सिमिलरली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आप कह सकते हो CPF इक्वल टू APB हो गया, ठीक है। सो मेनी डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये दो जो लाइंस हैं या फिर जो पॉइंट्स हैं APC एंड BPF, दीज आर कोलिनियर। ओके तो बच्चों उसके बाद हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को एक्चुअली दो वेज से कर सकते हैं। ओके आई टेल यू द बोथ वेज। लेट्स से मेथड वन ये रहेगा बच्चों दैट द एरिया, अगर आप इसको कंसीडर करो ABCO इज अ रोम्बस, ABCO विल बी अ रोम्बस है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO का अगर मैं डबल कर देता हूं इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द रोम्बस है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ABCO राइट। अब क्या लिखेंगे बच्चों, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड तो R है, सो OA इज आल्सो R, OB इज आल्सो R है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू आर स्क्वायर। एंड अब एरिया ऑफ रोम्बस ABCO क्या होता है, वी हैव अ फॉर्मूला दैट हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 है ना। सो हाफ टाइम्स डायगनल 1 इज 8 + 16, अपना पर्पज यही था उसको स्ट्रेट लाइन बोलने का कि 8 + 16 that the length of AC is 24 right, 8 + 16 that is 24 into the other diagonal is OB which is again R है ना। तो बच्चों में R ढूंढना है तो काफी इजी हो जाएगा। देखो अब आप R एंड R स्क्वायर एक R कैंसिल हो जाएगा, this 2 will cancel 4 with 2 and this 2 will be cancelled with this 2। तो आप देख सकते हो that R will be equal to 24/√3 or you can say 8√3 है ना। So that is one of the method guys R तक पहुंचने के लिए। ठीक है, हमें तो इंटीजर क्लोजेस्ट टू R बताना है, सो विल कम टू दैट। लेट्स डिस्कस द मेथड 2 आल्सो फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों मेथड 2 कैलकुलेट करने का एक और वे है, वेरी इजी मेथड 2 टू कैलकुलेट R। इफ यू कंसीडर ट्राइंगल FAC, इफ यू कंसीडर दिस ट्राइंगल FAC, FC तो डायमीटर है बच्चों है ना, FC इज डायमीटर। सो कैन आई से दैट एंगल FAC इज इक्वल टू 90, क्योंकि A पॉइंट तो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है ना, तो दिस विल बी 90 डिग्रीज। सो कैन आई अप्लाई पाइथागोरस इन दिस है ना, सो आई कैन अप्लाई AF विच इज अगेन R, तो R² + AC² दैट इज 24² है ना इज इक्वल टू FC² दैट इज 2R² राइट। सो 4R² - R² विल बी 3R² इज इक्वल टू 24²। So again, just taking the square root, you will get 24/√3, or rather the same thing, है ना? 8√3. R is 8√3. So guys, देखो दो methods हैं. Actually इसके और भी कुछ अलग-अलग methods आ सकते हैं, but they are kind of एक दूसरे के ही conversions होंगे. ठीक है? So these are two methods out of the many methods. ठीक है? So guys, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? Now we have to find the closest integer to R. अब उसके लिए क्या करेंगे, सो लेट्स मल्टीप्लाई R इक्वल टू 8 × 1.73 विद विच विल गेट 13.84। सो बच्चों इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा, सो नियरेस्ट इंटीजर टू दिस इज 14 है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 14। दैट विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ट्राई करो साथ साथ में, and you can also try to find some other method also. ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, सो आंसर वाज 14 बच्चों। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 8th क्वेश्चन ऑफ प्री RMO 2018। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। लेट AB be a chord of a circle with center O, C be a point on the circle such that angle ABC is 30, okay, and O lies inside the triangle ABC. Then let D be the midpoint of AB such that angle DCO equal to angle OCB equal to 20. Find the measure of angle CDO in degrees. बच्चों सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं, which will be helpful to us, है ना? Otherwise थोड़ा समझ नहीं आएगा ऐसे। तो let's make a circle first of all. तो अब AB उसमें क्या है? Is a chord. So let's draw AB chord. This is chord AB. ठीक है, तो ABC is how much? 30. So let's draw the point C on B such that this is point C, this is angle 30. Okay, and let's say the center is here. Okay, O point, there is the center. So join कर देते हैं AC को, इसके अलावा हम center से इनको join कर देते हैं। Okay बच्चों, तो ये हमने draw कर दिया, center के साथ join कर दिया सबको। And now डी बी ए पॉइंट ऑन ए बी, डी ए बी के ऊपर एक पॉइंट है सर, दैट डी सी ओ विल बी इक्वल टू ओ सी बी। तो ये जो एंगल है इसके इक्वल एक और एंगल आएगा यहाँ पे। सो लेट्स ड्रॉ दैट लाइन विद सम अदर कलर, लेट्स टेक दिस टू बी द पॉइंट टी। तो बच्चों अब हमें क्या पता है, दिस एंगल इज हाउ मच, 20 डिग्रीज, दिस इज ऑल्सो 20 डिग्रीज, दिस इज द सेंटर ओ। तो अकॉर्डिंगली हम एंगल ढूंढ लेते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर रेडियाई, राइट। लेट दिस पॉइंट बी ओ, द सेंटर बी ओ, लेट मी मार्क इट हियर ओ। तो दिस इज एंगल 20, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी हाउ मच, 20 डिग्रीज, राइट, बिकॉज ओ सी इक्वल टू ओ बी। नाउ गाइज ये हमें 30 पता था, तो इसका मतलब ये कितना बचेगा, 10 डिग्रीज। एंड अगेन सिमिलरली दिस एंगल विल ऑल्सो बी 10 डिग्रीज, एंगल ओ ए बी। इसके आगे बढ़ते हैं, सो वट हैपन्स, वट इज दिस एंगल इफ यू कंसिडर दिस, दिस एंगल विल बी हाउ मच, 60, राइट। ये 30 है पूरा का पूरा बी, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल, सो दिस विल बी हाउ मच, 60 डिग्रीज, राइट। सो लेट मी राइट इट हियर, 60 डिग्रीज, एंगल सी ओ ए विल बी 60 डिग्रीज, है ना। नाउ बच्चों OC और OA भी इक्वल है ना, OC और OA अगर इक्वल है इसका मतलब, बिकॉज OC इक्वल टू OA इक्वल टू OB भी लिखे देते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, एंगल OAC विल बी इक्वल टू एंगल OCA। सो अब उनके बीच का एंगल 60 है, द रिमेनिंग सम इज 120, है ना। सो एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल, सो ऑटोमेटिकली दिस मीन्स बोथ ऑफ देम शुड बी 60 डिग्री, राइट। तो बच्चों ये क्या बन गया, ट्राइंगल OCA is equilateral triangle, right? अब उससे क्या बोल सकते हैं, that AC is equal to OA equal to OC, that will be very helpful to us। तो ये जो सारी sides हैं AC equal to OA equal to OC। तो इसके अलावा बच्चों अगर आप इसको देखोगे, ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, और एंगल OCA was 60, out of that 20 तो यहाँ पे, so what is angle ACD? This will be how much? 60 minus 20, that is 40 degrees, है ना। वो एंगल 40 हो गया, दिस एंगल इज 40। एंड अब अगर आप एक बात देखोगे, व्हाट इज एंगल CAB? दैट विल बी 60 प्लस 10, दैट इज 70 degrees। तो बच्चों यहां से अगर आप देखोगे, दिस विल इंप्लाई दैट एंगल CDA इज ऑल्सो 70, बिकॉज 70 प्लस 40 इज 110 in triangle ACD, है ना। तो remaining angle is also 70. Now this is very beneficial to us because then we get to know, because ये दोनों angles equal हो गए, CAB and CDA, है ना। तो अब क्या बोल सकते हैं, that AC is equal to CD, okay? So AC was becomes equal to CD. तो बच्चों ये अब हमारे लिए सबसे easy कर देगा अपना question। So let's join D and O। अब हमें एंगल ढूंढना था, एंगल CDO, है ना बच्चों। तो अब हमें क्या पता है, CD इज इक्वल टू OC, बिकॉज AC वाज इक्वल टू OC, राइट। OC इज इक्वल टू AC, विच इज ऑल्सो मीन्स OC के इक्वल है। सो वंस CD इज इक्वल टू OC एंड आई नो द एंगल बिटवीन देम, राइट, दैट एंगल DCO इज 20। तो अब CD इक्वल टू OC है, तो ऑपोजिट एंगल शुड बी इक्वल, है ना। तो एंगल CDO प्लस एंगल COD शुड बी इक्वल टू 160, है ना, बिकॉज 20 तो एंगल DCO है, 180 माइनस 20 इज 160, एंड बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल बिकॉज CD इज इक्वल टू OC, है ना। ये दोनों इक्वल है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, विच गिव्स अस दैट एंगल CDO इज इक्वल टू 160 अपॉन 2, ट्वाइस हो गया था, that will give us 80 degrees as the answer। तो इसका आंसर कितना आएगा, 80 degrees। So बच्चों this is the basically question you can say of angle chasing। इसमें सारा टाइम हम angles find कर रहे हैं and using different properties। तो बच्चों लग सकता है थोड़ा सा complex है, but once you draw the diagram ना, उसके ऊपर अगर आप angle find करना शुरू करते हो, it becomes very easy then, है ना। So not that difficult in that sense, ठीक है। तो आपको properties अगर आती हैं, so you'll be able to do it very easily, okay? I hope all of you are with me till now। आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक, okay? So let's move on to the last question of the session। तो चलो देखते हैं next question, इसमें क्या दिया जा रहा है। This is the ninth question ऑफ द प्री आरएमओ 2018। ओके, तो बच्चों पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज ए बी आर इंटीजर्स एंड ए प्लस बी इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। सो इसका रूट है ए प्लस बी, है ना। तो बच्चों बहुत ईजी बात है, अगर ए प्लस बी इसका रूट है इट शुड सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, तो वर्क करते हैं उसके अराउंड। तो ए प्लस बी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो लेट्स पुट ए प्लस बी इंस्टेड ऑफ एक्स। तो हम इसको ए में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। आई होप सही है। दिस इज 2a स्क्वायर 3ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, है ना। तो बच्चों एक तरह से हम ये बोल सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन a। अब इसके रूट वैल्यू तो इंटीजर होनी चाहिए जो उसको सेटिस्फाई करेगा। वी नो दैट a प्लस बी, a एंड b आर इंडिविजुअली इंटीजर्स, है ना, हमें पता है वो इंटीजर है। तो इसका रूट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। विद विच व्हाट वी कैन गेट टू नो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, d जिसको हम बोलते हैं, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। वो हमें पता है बिकॉज अगर इसका इंटीजर रूट होना चाहिए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लेट्स राइट डाउन इट्स d। d क्या आएगा, a का कोफिशिएंट इज 3b, है ना। सो 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या आएगा, a स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 2 इंटू कॉन्स्टेंट b स्क्वायर प्लस b। तो लेट्स राइट इट डाउन। तो 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 8b विच विल बी b स्क्वायर माइनस 8b। हम ये चाहते हैं दैट दिस एक्सप्रेशन शुड बी सम इक्वल टू सम p स्क्वायर, है ना। p इज सम वेयर लेट्स से p बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। पॉजिटिव मान लेते हैं सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक ही बात है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इट विल नॉट मैटर एज सच, है ना। तो b स्क्वायर की बात कर रहे हैं इसलिए चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 16, है ना। सो विल गेट b माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू p स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करते हैं, p स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, 16 को इधर, विल गेट b माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे फैक्टराइज करते हैं, b माइनस 4 प्लस p, b माइनस 4 माइनस p इक्वल टू 16। तो बच्चों अब हमें थोड़ी सी नंबर थ्योरी का यूज करना है यहाँ पे। 16 के डिफरेंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, दोज आर जनरली 8 इंटू 2 और 4 इंटू 4 या फिर 16 इंटू 1। सो लेट्स टेक द फर्स्ट केस, है ना। इसमें प्रॉब्लम ये आएगी इन द 16 इंटू 1 केस बिकॉज इन दोनों का पैरिटी सेम होना चाहिए, आइदर बोथ शुड बी इवन और बोथ शुड बी ऑड, है ना। आई टेल यू व्हाई, मैं लिख के बता देता हूं आपको। लेट्स टेक दिस केस, है ना, 16 इंटू 1। तो क्या मतलब होगा, बिकॉज p हमने पॉजिटिव लिया है, वी आर कंसिडरिंग दैट द b माइनस 4 प्लस p वो पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा, राइट। सो b माइनस 4 प्लस p इक्वल टू प्लस माइनस 16, प्लस माइनस हो सकता है, प्लस 16 होगा तो 1 भी 1 प्लस होगा, अगर 16 नेगेटिव होगा तो 1 भी नेगेटिव होगा, राइट। and b minus 4 minus p will be plus minus 1. तो बच्चों अगर आप इसको ऐड करते हो you will get 2b minus 8 equal to plus minus 17, है ना। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, 2b will be 8 plus minus 17. अब आप 2 से डिवाइड करोगे it will become a decimal number, right, 0.5 करके वैल्यू आएगा। so this case is not at all possible, है ना। इसका मतलब ये केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उसके कारण आपका b इंटीजर ही नहीं आ रहा है, राइट, इट इज कमिंग आउट टू बी सम फ्रैक्शन, ठीक है। तो लेट्स टेक द अदर टू केसेस देन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी इक्वेशन है b माइनस 4 प्लस पी, b माइनस 4 माइनस पी इक्वल टू, अब 2 केसेस बचे हमारे पास 16 के लिए, 8 इंटू 2 और 4 इंटू 4, है ना। तो अब क्या करेंगे, लेट्स टेक बोथ ऑफ द केसेस। केस 1 लेते हैं, b माइनस 4 प्लस p इक्वल टू प्लस माइनस 8 एंड b माइनस 4 माइनस p इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो अगर हम अब अगेन हमें तो b चाहिए, p से कोई लेना देना नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं। सो लेट्स ऐड देम अप, यू विल गेट 2b माइनस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 10, ठीक है। तो अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो b माइनस 4 is will be equal to प्लस माइनस 5. सो b की वैल्यू आती है प्लस माइनस 5. तो b की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस माइनस 5. तो डिफरेंट वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस लेंगे तो 9 आएगा और b इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, सो दैट इज अवर फर्स्ट केस. नाउ लेट्स सी द सेकंड केस. सेकंड केस में देखते हैं तो b माइनस 4 प्लस पी इक्वल टू प्लस माइनस 4. b माइनस 4 माइनस पी इज ऑल्सो प्लस माइनस 4. तो बच्चों अगर इसको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2b माइनस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8, है ना. तो अगेन b माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4. तो 4 को उधर लेके जाते हैं, b इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4. तो बच्चों यहाँ से अगर हमने प्लस लिया तो ये तो 8 आएगा और 0 आ जाएगा. सो आप देख सकते हो हमारे पास b की चार डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, माइनस 1, 0, 8 एंड 9. तो हमें फाइंड करना था मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b स्क्वायर. तो b स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, व्हेन वी टेक द वैल्यू 9, है ना, 9 का स्क्वायर एंड दैट इज 81. सो बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 81. दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आप देख सकते हो दैट इज 81. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन. मतलब हमने आज के तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं. आई होप आप सबको समझ में आया. अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आया इसमें नहीं समझ में आया, यू कैन रिवाइंड इट बैक एंड सी इट अगेन, है ना. आई होप आपको समझ में आ जाएगा. आई हैव ट्राइड टू ब्रेक इट डाउन इन अ सिंपलर वे एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, ओके बच्चों. एंड आफ्टर दिस, ओके बच्चों, मैं आपको फिर से वही चीज अगेन रिपीट कर रहा हूँ. इफ देर आर एनी स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड प्री आरएमओ और आरएमओ, ओके, प्री आरएमओ और आरएमओ in the previous years, you can prepare with us. So and your entry is free. The courses are free. तो आप इस email ID पे, alright, let me type it down. आपके लिए easy हो जाएगा. lohit.jindal@vedantu.com. ठीक है, तो बच्चों this is the email ID. आप इस पे along with some proof, okay, of the image of the certificate or something, आप मुझे send कर दीजिए. Along with your own details, class, Vedantu registered email ID and pass and phone number and all. तो details भेज दीजिए आप मुझको इस email ID पे. If you have cleared pre RMO or RMO in the previous years, तो हम आपको directly हमारे regular courses में enroll कर सकें जिससे. And for the other students who have not cleared pre RMO or RMO, ठीक है, अगर आप हमारे साथ prepare करना चाहते हो, you want to study for Mathematics Olympiad, तो आप olympiads.vedantu.com साइट पे जाइए और वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं. दैट इज एडमिशन टेस्ट. आपको वहाँ पे जाके और डिटेल्स पता लग जाएंगी. एंड देन आफ्टर द टेस्ट यू कैन गेट इनरोल्ड इफ यू क्लियर द कट ऑफ मार्क्स. ओके, ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. आई एंजॉयड अ लॉट टीचिंग यू. सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड बी केयरफुल. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू.